सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो का पर्पस आपको यह बताना है कि डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में फिजिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस आती है। फिजिक्स को अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो क्वेश्चंस को टच करना काफी आसान हो जाता है। इस वीडियो में हमारी कोशिश है आपको फिजिक्स की कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देना जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशंस के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस डालती रहती है, इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आइए वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस की जानकारी लेते हैं। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शंस इसका देखते हैं। 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट, 976 वाट। इसका करेक्ट आंसर होगा 746 वाट। हॉर्स पावर ये पावर का एक यूनिट है, शक्ति का एक यूनिट है, और एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। वाट पावर का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शंस दिया हुआ है, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस। सही जवाब है ग्रीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्किमिडीज का संबंध किससे है? यहां ऑप्शंस हमको देखना है। ऑप्शंस दिया हुआ है प्लवन का नियम से, समकोण त्रिभुज का नियम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम से, और लास्ट ऑप्शन है करंट व वोल्टेज में संबंध से। तो आर्किमिडीज ने प्लवन का नियम दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग दिया था। इस नियम से हम पता करते हैं कि कैसे कोई वस्तु तैरती है, और उसमें जो नियम लागू होती है वो आर्किमिडीज की देन है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ये क्वेश्चंस आर्किमिडीज के नियम से रिलेटेड हैं। अब इसमें हमको देखना है कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, इनमें से कोई नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई भी एक ठोस किसी द्रव पर तैरती है तो ठोस द्वारा विस्थापित किया गया पानी या द्रव के भार के बराबर जो बल लगता है वह बल ऊपर की ओर ठोस वस्तु पर लगता है और जिसके कारण वस्तु तैरती है। तो निसंदेह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? यहां ऑप्शंस है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। इसका सही जवाब होगा जूल। ऑप्शन बी में है न्यूटन, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी में है वाट, ये शक्ति का एसआई मात्रक है। और ऑप्शन डी में है डाइन, जो बल का सीजीएस यूनिट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है?
सबसे पहले हमें जानना है कि एंगस्ट्रम किस चीज का यूनिट है। एंगस्ट्रम से हम दूरी या डिस्टेंस नापते हैं। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल, समय। तो इन चारों ऑप्शनों में से तरंगदैर्ध्य एक दूरी है और तरंगदैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया एवं अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस इसका दिया हुआ है, दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, समान परिमाण होते हैं, विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। क्रिया और अभिक्रिया का बल ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है और इसमें जो है क्रिया और अभिक्रिया का बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, दोनों का परिमाण समान होता है और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है स्याही की श्यानता, केशिकीय क्रिया, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, साइफन क्रिया। तो इसमें कैपिलरीज एक्शन यानी केशिकीय क्रियाएं होती हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, गति जड़त्व प्राप्त करने में मदद करती है, छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। इसका सबसे अच्छा आंसर जो है वह है गति जड़त्व प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी भौतिक राशि का इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, बल, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा। इसमें ऑप्शन बी, सी और डी तीनों का इकाई न्यूटन मीटर है, लेकिन ऑप्शन ए बल जो है जिसका मात्रक न्यूटन है, तो इसमें न्यूटन मीटर मात्रक नहीं है बल का। इसका सही जवाब होगा बल। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? ऑप्शन है, यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, यहां पलायन वेग कम होता है। इसका सही जवाब होगा कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की अपेक्षा काफी कम होती है, जिसके कारण यहां वायुमंडल होने का संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस में से हमें चुनना है। दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दूध से जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो इसमें दूध का घनत्व बढ़ता है, क्योंकि क्रीम का घनत्व दूध के घनत्व के अपेक्षा कम होती है और क्रीम निकाल लेने से दूध का घनत्व स्वतः बढ़ता है।
इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उसका आंसर रहता है दूध का घनत्व घटता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है, ऑप्शंस देखते हैं। त्वरण का मात्रक है, बल का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि ऊर्जा जो है ये कार्य के इक्विवेलेंट है और कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी न्यूटन मीटर मात्रक होगा ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ये क्वेश्चन आर्किमिडीज सिद्धांत से रिलेटेड है। अब हमें देखना है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या जल का विस्थापन नहीं करता है। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित किया गया जल का भार लोहे के भार से कम होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्यानता विस्कोसिटी की इकाई है, पॉइज, पास्कल, प्लाजुली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा पॉइज। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। हमें बताना है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना कम है पृथ्वी की तुलना में। ऑप्शंस दिया हुआ है इसका 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। इसका सही जवाब होगा 1/6। आप मान लीजिए कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का मान अगर F हो तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान F/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। हमें बताना है ऑप्शंस देखकर कि किस स्थिति में लिफ्ट में व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है त्वरण के साथ ऊपर जाए, त्वरण के साथ नीचे आए, समान गति के साथ ऊपर जाए, समान गति से नीचे जाए। तो जब कभी भी लिफ्ट समान गति से ऊपर या नीचे जाता है तो उस स्थिति में प्रत्यक्ष और वास्तविक भार में कोई फर्क नहीं होता है। फर्क तब होता है जब लिफ्ट में त्वरण हो। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाता है तो प्रत्यक्ष भार अधिक होते हैं, और जब त्वरण के साथ नीचे आता है तो प्रत्यक्ष भार कम होता है। तो निसंदेह इसका सही जवाब होगा त्वरण के साथ नीचे आना। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हमें बताना है। बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो जब कभी भी कोई साइकिल सवार टर्निंग लेता है तो वह अंदर की ओर झुकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? यहां पर हमें बताना है कि कारण क्या है कि साइकिल सवार मोड़ लेते समय झुकता है, इसका सही कारण हमें बताना है। पहला ऑप्शन है एक समान गति बनाए रखने के लिए, ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके, ताकि पहियों पर दबाव डाला जा सके, ताकि वक्र को और तेजी से पार किया जा सके। तो साइकिल सवार के अंदर की ओर झुकने का कारण है कि आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया जा सके। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें जानना है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी वस्तु में वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है, यानी जिसमें गति होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जिसमें गति नहीं है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसमें ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष, इसमें गति नहीं है और इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण क्या हो सकता है? हमें ऑप्शंस देकर चुनना है। वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में वृद्धि होती है, वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, एयर का डेंसिटी वायु का घनत्व घटते जाता है, और जिसके कारण वायुदाब में कमी आती रहती है, और वायुदाब में कमी होने के कारण फाउंटेन पेन में मौजूद स्याही बाहर निकल आती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है डाइन, जो बल का सीजियस मात्रक है। ऑप्शन सी है अर्ग, जो ऊर्जा का सीजियस मात्रक है। और ऑप्शन डी है जूल, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कैंडेला मात्रक है, कौन सी भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है? ऑप्शंस दिया हुआ है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है कैलोरी, केल्विन, जूल और नेक्स्ट ऑप्शन है अर्ग। इसका सही जवाब है कैलोरी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर,
ओम वोल्ट कूलम्ब। इसका सही जवाब होगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। ऑप्शन बी में है ओम जो कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी है वोल्ट जो विभवांतर का एसआई मात्रक है। और ऑप्शन डी है कूलम्ब जो आवेश का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, बैफ्टर, मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डायफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक हमें बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि प्रेशर का मात्रक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? हमें ऑप्शंस में चुनना है कि कौन से युग्म में दो भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान नहीं है। ऑप्शंस दिया हुआ है बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। इसमें ऑप्शन ए यानी बल एवं दाब दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं और दोनों का विमीय सूत्र समान नहीं है। बल का कुछ और है और दाब का कुछ और है, क्योंकि दाब इज इक्वल टू होता है फोर्स बटा एरिया। इसलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन बी जैसे कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र समान है। ऑप्शन सी है आवेग एवं संवेग, इसमें भी दोनों का विमीय सूत्र समान है। ऑप्शन डी है भार एवं बल, इसमें भी दोनों का विमीय सूत्र समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो वैसे भौतिक राशियां सदिश राशि कहलाती हैं जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसमें बल ही एक ऐसा भौतिक राशि है इन चार ऑप्शनों में से जिसका परिमाण भी है और दिशा भी है। बाकी तीन ऑप्शन चाल, ऊर्जा और तापमान, इन तीनों ऑप्शन की दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। इसलिए सदिश राशि होगी बल। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी कोई दिशा नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन संवेग, वेग और कोणीय वेग तीनों का परिमाण भी है और दिशा भी है। इसलिए इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट। अदिश राशि हमें चुनना है। ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपर्युक्त सभी। इसमें ऊर्जा एक ऐसा राशि है जो अदिश है। बाकी बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग ये भी सदिश राशि है। इसका सही जवाब होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता
जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। हमें बताना है यह सिद्धांत किसका है। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो यह सिद्धांत है न्यूटन का प्रथम गति नियम का। सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है। जड़त्वाघुन, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। इसका सही जवाब होगा विश्राम जड़त्व। जब अश्व और अश्वारोही स्थिर रहता है तो दोनों में विश्राम जड़त्व होता है, लेकिन जैसे ही अश्व यानी हॉर्स चलना प्रारंभ कर देता है, व्यक्ति अपने विश्राम जड़त्व को कायम रखने की कोशिश के कारण पीछे की ओर गिर जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि शरीर का वजन अधिकतम कहां होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है ध्रुवों पर, विषुवतीय रेखा पर, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर, पृथ्वी की सतह पर, सभी जगह एक समान होता है। कोई भी वस्तु का वजन सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है और ध्रुवों पर ये खासकर विशेष रूप से चपटी है, जिसके कारण ध्रुवीय सतह और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी विषुवतीय रेखा की सतह और केंद्र के बीच की दूरी से कम होती है। दूसरा कारण है कि घूर्णन प्रभाव भी ध्रुवों पर कम होता है, जिसके कारण शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। लास्ट में YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी व्यूअर्स से अपील की जाती है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।